तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों आई हेल्प यूट्यूब चैनल पे, और आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस बड़े पार्सल की, तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। मुझे तो पता है पर आप लोगों को शायद नहीं पता, तो जल्दी देखते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है तो ज़रूर देखिए। ये खुला डब्बा आ गया, ये आ गया आ गया आ गया। ओ फटी पैकिंग क्यों है ये? तो दोस्तों जिसका मुझे कई दिनों से इंतज़ार था वो आज आ चुका है, और ये है JBL Xtreme। हिलाकर रख देगा सबको, बजाता रहूँगा। तो चलिए अब जल्दी से खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं इसमें हमें और क्या 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 मिलता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है JBL का टिपिकल बॉक्स, जिसका ऊपर का कलर हमेशा ऑरेंज रहता है। इस तरह का ऑरेंज वाइट पैकिंग में हमेशा ही आता है, इसी तरह के इसके बॉक्सेस रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, बाहर बना हुआ है, डिटेल्स दी गई हैं सारी, इधर इसकी MRP वगैरह दी गई है। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। इसलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि स्पीकर कैसा है और हमें इसके साथ में क्या क्या मिलता है। यार ये JBL वालों का क्या सिर्फ होली पसंद है क्या? जब इनके किसी भी बॉक्स में देख लो ऊपर हमेशा ये होली का इस तरह का ये कवर फोटो टाइप की बनी आती है। क्या है ये? लगता है इसमें कुछ है, ये ट्रायंगल जैसे क्या है। चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल जैसे कुछ शेप देखने को मिला। अच्छा ये एक केबल है, ओ ये इंटरनेशनल सॉकेट्स के लिए केबल दी गई है। तो अगर आप दोस्तों बाहर रहते हैं तो आपको उसकी टेंशन भी नहीं कि आपको दूसरे टाइप की केबल मिल जाएगी। सबसे पहले ये, और दूसरी साइड है ओ हमारे इंडियन सॉकेट वाली वायर जो टिपिकल सॉकेट होते हैं उसमें लगने वाली वायर। और ये इसका क्या है? अडैप्टर। एंड ये है JBL अडैप्टर। कितना सुंदर है यार, ये कमाल है, बहुत बढ़िया स्पीकर होने वाला है भाई। अडैप्टर चाहिए इसको चार्ज करने के लिए, ये तो सभी जानते हैं कि किस तरह से ये इसमें फिट हो जाता है। अब इसे साइड रखते हैं, और अंदर हमें ये है इसका मैनुअल गाइड, दिखा देता हूँ खोल के। ये मिलेगा आपको JBL Xtreme का मैनुअल गाइड, यहाँ पर कई सारी भाषाओं में और अलग अलग तरह से दे रखा है कि कैसे कैसे आप इसको स्टार्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह। ये कॉशन मैनुअल है इसकी एक, तो आप और यहाँ पर एक और बॉक्स दिया गया है। ओ बाहर निकल, ये रहा, ये क्या है यार? बॉक्स कितना प्यारा डब्बा है यार, देखो ना मजा आ जाता है इनके सामान देख के तो। वाओ, इसके साथ एक स्ट्रैप भी मिलेगा आपको जो आप इन स्पीकर्स में फिक्स कर सकते हैं, और आप इसे गले में, कॉलर में, कहीं भी टांग के, जैसे आप पिकनिक वगैरह में जाते हैं या किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो गले में टांग कर भी इसे बजा सकते हैं ढोल की तरह। मजाक कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, इसको कैरी करना आसान हो जाएगा इसकी मदद से। और अब बढ़ते हैं, कुछ और भी है क्या? और तो कुछ नहीं है भाई, ये स्पीकर है, ये डंबल है, 30 किलो का डंबल। बाप रे बहुत भारी है, मजाक कर रहा हूँ, हल्का है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था इसे हटा दो, डिस्ट्रैक्ट होता है। ओ हो 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 ओ हो 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 सो ये रहा दोस्तों JBL Xtreme।
तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं, मैं थोड़ा और घटा देता हूँ, ISO बढ़ा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये है इसका ब्लूटूथ बटन, आप देख ही सकते होंगे, देख पा देखा, हाँ दिख रहा है ब्लूटूथ बटन। ये वॉल्यूम डिक्रीज करने का, वॉल्यूम इंक्रीज करने का, और ये फॉरवर्ड एंड पॉज बटन है। ये इसका पावर बटन है एंड ये ब्लूटूथ स्कैनिंग बटन है। ये अपने आसपास के डिवाइसेस को स्कैन करता है। जिन्होंने JBL के स्पीकर्स पहले यूज़ करे हैं या फिर JBL Flip 3 की मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी है तो वो इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि वाकिफ वगैरह क्या क्या बोल रहा हूँ आज मैं, जाना पहचाना लगता है क्योंकि सारा सिस्टम सेम है। और यहाँ पर सामने JBL का बहुत ही सुंदर सा लोगो बना हुआ है, थोड़ा शटर बढ़ा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, JBL ऑरेंज कलर का टिपिकल वाइट डिज़ाइन में लिखा गया है, काफ़ी अच्छा लगता है ये दिखने में। पीछे यहाँ दो इसके स्टैंड दे रखे हैं ताकि अच्छी तरह से खड़ा रहे, फर्मली ही लेना। और यहाँ पीछे दिया गया है इसके सारे सॉकेट्स एंड पोर्ट्स वगैरह। ये पीछे चेन दी गई है क्योंकि ये एक वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर है, लेकिन अगर पोर्ट्स वगैरह में पानी चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। उससे बचाने के लिए यहाँ पर एक चेन दी गई है। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पावर का पोर्ट है, यहाँ USB ऑडियो AUX सब के पोर्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन बस यहाँ आप अपना SD कार्ड नहीं लगा सकते, ये वाला स्पीकर नहीं है। बाकी दोस्तों ये देखो साइड व्यू, जब ये बजता है बेस के साथ भम भम बजता है क्या, बजा के दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखो तो दोस्तों ये है JBL Xtreme। और अब मैं आपको इसकी खास बातें बता दूं तो इसमें है 15 घंटे चलने वाली इनबिल्ट बैटरी जो है 10,000 mAh की। तो एक बार इसे चार्ज कर ले फिर 15 घंटे तक लगातार म्यूज़िक बजाओ, जितनी पार्टी करनी है करो, मज़ा आएगा, पर 15 घंटे बाद चार्ज ज़रूर कर लेना। और ये स्पीकर है स्प्लैश प्रूफ, तो अगर आप स्विमिंग पूल के आसपास या अपने बाथरूम में भी इसे ले जाते हैं तो पानी की चिंता की ज़रूरत नहीं है। पानी से मत डरना, पर थोड़ा दूर भी रखना, अगर पानी पड़ेगा इस पर गिरेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान रखिए कि इसकी स्पोर्ट्स वगैरह में पानी ना जाए। तो अगर आप जब भी इसे पानी के करीब यूज़ करें तो इस चेन को बंद ज़रूर कर दें। और उससे एक और इसमें जो ख़ास फीचर है वो है इसमें है एक इनबिल्ट माइक्रोफोन। तो अगर आप इसे फ़ोन से कनेक्टेड रखते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टेड ही आप इससे में बात कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई, फादर या कोई भी रिलेटिव अगर दूर रहता और सब पूरी फैमिली को एक साथ उनकी बातें सुननी हो तो इस पर बजा दो, पूरा घर सुनेगा उनकी बातें कि क्या क्या बोल रहे हैं। इसमें जो एडाप्टर है ये आउटपुट पावर देता है 3 volts की, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसको चार्ज करने के लिए लगभग इतनी पावर की ही ज़रूरत होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये स्ट्रैप तो बहुत ही बढ़िया है, इसको लगाओ और डमरू की तरह इसे पहन के घूमते रहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैप है यार, ब्लैक कलर का, बड़े आराम से लग भी जाता है। ये इसे लगा दिया ऐसे लेके आप गले में टांग के ये डमरू बजाओ यूं करके, देख शेप इसका बिल्कुल, मुझे लगता है JBL कंपनी इंडियन के जो ढोलक होते हैं उससे इंस्पायर होके उन लोगों ने ये JBL स्पीकर बनाया है और बहुत बढ़िया बनाया है JBL Xtreme, मैं मान गया इसको। तो दोस्तों अब मैं आपको जो मेरी एडवाइस है इसे यूज़ करके, वैसे अभी मैंने इसे पूरी तरह यूज़ नहीं किया है, बस अभी जो गाना बजा था उसमें इसकी ताकत मैंने महसूस की, और जो पार्टी में मैंने गाना सुना था, अब मैं कुछ दिन इसे यूज़ करूँगा और उसके बाद इसका फुल रिव्यू दूंगा। और इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, फ़ायदे आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया है, इसकी कमियाँ निकालूंगा वो आपसे शेयर करूँगा जल्द ही। आप इसे ख़रीदना चाहे तो जा सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।